जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष याचना करता है कि वो स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या ये हमने कभी विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रख देना। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है ना? किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही, किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन और फल के प्रति मोह ना रखना ही सच्ची प्रार्थना। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है या पराजय? स्वयं विचार कीजिए।